और ये पहुंचे डिप्टी सीएम। स्वास्थ्य सेवाओं की दी जानकारी 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारी की समीक्षा। बड़ी खबर प्रदेश स्तरीय जिले से है, जहां कलेक्ट्रेट में विकास कार्यों की समीक्षा करते हुए डिप्टी सीएम ने अधिकारियों से कहा कि सरकारी योजनाओं में लापरवाही मिली और शिकायतें आई तो कार्रवाई होगी। वहीं ये भी कहा कि अक्सर गाँव में जाकर विकास कार्यों की हकीकत जांचे, लापरवाह अफसरों व कर्मचारियों पर कार्रवाई करें। स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा करते हुए सीएमओ डॉक्टर अर्चना श्रीवास्तव को निर्देश दिए कि अस्पतालों में मरीजों को बाहर से दवा न लेनी चाहिए, जो दवाएं कम उपलब्ध है उन्हें तत्काल खरीदें। आयुष्मान कार्ड का लक्ष्य तेजी से पूरा किया जाए। उन्होंने प्रधानमंत्री आवास मंडी एवं प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण स्वयं सहायता समूह PMGYSY मनरेगा जल जीवन मिशन किसान सम्मान निधि पंजीकृत श्रमिकों की विभिन्न योजनाओं राजस्व वसूली कन्या सुमंगला योजना मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना आदि समीक्षा। वहीं बिजली अधिकारियों से कहा कि फॉल्ट और कटौती की शिकायतें मिल रही हैं, इस पर सुधार किया जाए, लोग परेशान हुए तो कार्रवाई से। DFO को निर्देश दिए कि पौधारोपण कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए जनप्रतिनिधियों का सहयोग लेकर ग्राम प्रधानों की बैठक बुलाए और उन्हें जागरूक करें। इसके अलावा बेसिक शिक्षा में सुधार के लिए BSA व जिला कार्यक्रम अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए कि स्कूल और आंगनवाड़ी समय से खोले जाए।